कभी-कभी लैपटॉप या पीसी में किसी एप्लीकेशन में काम करते समय वो एप्लीकेशन हैंग हो जाता है तो नॉट रेस्पॉन्डिंग बताने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेकस्मिथ कैम्पटेस्टर 2022 नॉट रेस्पॉन्डिंग, ये एप्लीकेशन हैंग हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन न तो यहाँ से इसे आप बंद कर सकते हैं और ना ही आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं, ये कहीं से भी ये एप्लीकेशन बंद नहीं होता है। अब ये एप्लीकेशन सिर्फ टास्क मैनेजर से ही बंद हो सकता है, लेकिन विंडोज 10 में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यहाँ टास्क बार पर राइट क्लिक करने पे टास्क बार का ऑप्शन आता था और हम उस पर क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन कर लेते थे, लेकिन विंडोज 11 में सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करने पे टास्क बार सेटिंग का ऑप्शन आता है और टास्क बार सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकें। तो कभी कभी एप्लीकेशन हैंग होने के थोड़ी देर बाद इस तरह से मैसेज आता है क्लोज द प्रोग्राम वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। तो यहाँ क्लोज द प्रोग्राम पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये मैसेज या तो लेट आता है या फिर आता नहीं है, तो ऐसे में आपका काम नहीं हो पाता है, आप इस एप्लीकेशन को बंद नहीं कर पाते हैं। तो इसे बंद करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है टास्क मैनेजर से फोर्सफुली इसे बंद किया जाए। तो विंडोज 11 में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला आपको यहाँ स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करके अब जो एप्लीकेशन आपका नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया है और बंद नहीं हो रहा है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ एंड टास्क पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं वो एप्लीकेशन बंद हो गया। ठीक इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशन हैं आप उन्हें यहाँ से एंड टास्क पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा ऑप्शन होता है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट से टास्क बार ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस सेव और प्लस एस्केप की को एक साथ प्रेस करके रखना है इस तरह से, तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। यहाँ पर जितने भी आपके एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें से जो एप्लीकेशन हैंग हुआ है आप उस पर क्लिक करके यहाँ एंड टास्क पर क्लिक करके उसे फोर्सफुल्ली बंद कर सकते हैं, आप जितने चाहें उतने एप्लीकेशन को यहाँ से फोर्सफुल्ली बंद कर सकते हैं। तो विंडोज 11 में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप को एक साथ प्रेस करके रखना है तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और आप किसी भी एप्लीकेशन को फोर्सफुल्ली बंद कर सकते हैं।